जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज, मैं सोचता हूँ कि अगर अपने पूर्व के जीवन की तरफ थोड़ा सा देखा जाए तो आज का धर्म बहुत जल्दी समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर क्या पाया? जिस जिस चीज़ को पाने की कोशिश की वो मिल पाई क्या? और इतना ही नहीं, जिस चीज़ में सुख मान करके उसे पाने की कोशिश की वो चीज़ मिल जाने के बाद उसमें से सुख मिला क्या? कितनी बार हमने अपनी मुट्ठी, खाली मुट्ठी बंद करके इस बात का भ्रम पैदा किया कि भरी है, जब खोलेंगे तो भरी मिलेगी। कितनी बार अपने पूर्व के जीवन के अनुभव से हमने ये पाया कि जहाँ सोचते थे कि प्यास बुझेगी वहाँ पानी की जगह पर और अधिक प्यास ही मिली। फिर इसके बावजूद भी हमें किसका इंतज़ार है? कौन हमें यहाँ आकर के कुछ दे देगा या कि हम यहाँ से कुछ पा लेंगे? जब अगर हमारे भीतर इस तरह का कोई विचार आता है तब तो संभव है कि जो एक गहरा सम्मोहन, एक गहरी मूर्छा चीज़ों के प्रति और इस संसार के प्रति हमारी है वो टूटेगी। अन्यथा कितना भी कुछ कर लीजिएगा, चार चीज़ें छोड़ देंगे, कहीं से पांचवी चीज़ के लिए तो दौड़ ही जाएंगे। जब ये एहसास भीतर होने लगे कि यहाँ पाने लायक कुछ भी नहीं है, अपने सिवाय पाने लायक कुछ भी नहीं है, तब फिर मूर्छा टूटती है और त्याग धर्म शुरू होता है। एक गहरा भ्रम हमारे भीतर है पर हम देख नहीं पाते। लगता है अच्छे कपड़े होंगे तो इज्जत मिलेगी, लगता है कि बहुत सारे पैसे होंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर कितनी बार तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके देख लिए, बहुत अच्छे कपड़े पहन के देख लिए, ये मूर्छा कब टूटेगी? ये सम्मोहन कब टूटेगा? अगर ये मैं और मेरेपन का जो भाव है वो जिस क्षण व्यक्ति का छूट जाता है उस क्षण वो त्याग धर्म को उपलब्ध होता है। एक युवक पहुंचा था साधु के पास।
और उससे पूछा था कि मुझे मुक्त होने का उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सामने गुफा है, गुफा में चले जाओ, 2-3 दिन अपने भैंस होने का ध्यान करो कि अब तुम भैंस हो गए हो। युवक बड़ी परेशानी में पड़ा कि आपने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं ग्वाला हूँ जो कि भैंस का ध्यान करो। उनने कहा नहीं, मैं तुम्हें ग्वाला नहीं बना रहा हूँ, पर यदि तुम्हें मुक्त होने का उपाय जानना है तो इतना तो करना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन जितने भी लग जाए, इस बात का ध्यान करो, इस बात का एहसास करो कि तुम भैंस हो गए। बड़ी अजीब सी प्रक्रिया है। गया वो, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, उसने फिर अपना ध्यान ज्यों का त्यों रखा और फील करता रहा इस बात का कि वो भैंस हो गया है। दूसरी रात निकल गई, तीसरे दिन शाम होने को थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि सचमुच अगर वो भैंस हो गया और बहुत बड़े सींगों वाली भैंस हो गया तो गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है, वो निकलेगा कैसे। ऐसा उसे बहुत गहरा एहसास हुआ तो जोर से चिल्लाया। कैसा चिल्लाया? भैंस की आवाज में चिल्लाया, गुरु भागता आया और गुरु ने उसको हिलाया कि क्या माजरा है, बात क्या है। उसने कहा सींग फंसते हैं, जरा दरवाजा ऊंचा करवाओ, निकलूंगा कैसे। उसने कहा भले आदमी, सींग विंग है कहां। उसने कहा मजाक करते हैं आप, इधर इतनी तकलीफ में हूं वो फिर भी आप कहते हैं। जब थोड़ा उसको हिलाया, ध्यान उसका हटा, आंख खोली उसने तो कहीं कोई सींग बड़े नहीं थे, बाहर निकल के आया। गुरु ने कहा कि उपदेश तुम्हें जो देना था वो दे ही दिया, ये भ्रम तोड़ दो। एक भ्रम जो 3 दिन में तुमने अपने चारों तरफ निर्मित कर लिया था कि तुम भैंस हो गए, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि हमेशा हमेशा के लिए तुमने ये भ्रम कैदा करके रखा है कि इन सब बाहरी चीजों के बिना तुम्हारा एक क्षण भी नहीं गुजरेगा, ये भी तो एक भ्रम है। अपने हाथ से मुट्ठी बंद करके किसी से पूछें कि खुलने का उपाय क्या है तो कोई भी कहेगा बुद्धू हो, बांधी काहे को थी। हम निरंतर बंधन में पड़ते चले जाते हैं, निरंतर हम ग्रहण करते जाते हैं, इसलिए हमें त्याग की बात करना पड़ती है। जो ग्रहण ही नहीं करता उसे त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं। हमने एक छोटी सी चीज सीख ली कि काश अगर हम अपने सिवाय किसी और चीज को ग्रहण ही ना करें तो हमारे जीवन में तो त्याग प्रतिक्षण है ही। ये जो मैं है, ये जो मेरे भीतर कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और अपने मैं को बड़ा करने के लिए बाहर से मेरापन जितनी चीजों में हो जाए, क्योंकि जितना जितना मेरापन बढ़ता है उतना उतना मैं बड़ा होता चला जाता है। मेरी एक कार है, मैं बड़ा हो गया। मेरा एक मकान है, मैं और बड़ा हो गया। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं और बड़ा हो गया। जितना जितना मेरापन बढ़ता है, जितनी जितनी चीजें बाहर से बढ़ती हैं, मैं बढ़ता चला जाता है। और जितना जितना मैं बढ़ता है उतना स्टेटस का सवाल हो जाता है, उतना प्रतिष्ठा का सवाल होता है, तो मेरापन भी फिर बढ़ता चला जाता है। मैं बड़ा आदमी हूं तो मुझे कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मुझे कैसे सोना चांदी से अपने को लाद के रखना चाहिए और कैसे मुझे खाना चाहिए, सारा कुछ चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि हम जो अपने से पृथक है उसे समझें और उसे ग्रहण करने की चेष्टा न करें तो हम तो निरंतर त्याग धर्म को प्राप्त ही कर चुकेंगे। लेकिन क्या करें, ग्रहण होता है इसलिए त्याग भी करना पड़ता है। और त्याग डिंडोरा पीट के करते हैं हम। मुश्किल हमारे साथ ये है। अच्छा ये बताओ,
घर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए और उसको फेंकना हो तो क्या करते हैं आप? बाजू वाले को खबर तक नहीं होने दे और धीरे से नारियाद बाहर वही के दरवाजे में सवेरे से एकदम जल्दी फिर नहीं करके जो हमारा बहुत कचरा है तो और इतना सारा कचरा हम फेंक रहे हैं, हमने इतने कचरे का त्याग कर दिया। जिस दिन ये एहसास हो जाए कि जो पर पदार्थ हैं वो मेरे पास कचरे की तरह इकट्ठे हो गए हैं, मुझे गंदा करने वाली चीज है, मेरे घर को मेरे अपने पूरे जीवन को खराब करने वाली चीज है, जिस दिन एक मूर्छा ये टूटनी चाहिए और एक एहसास गहरा होना चाहिए। अन्यथा हम त्याग की बात बहुत सारी भी सुन लेंगे पर भीतर मूर्छा बनी रहेगी तो एक चीज छोड़ के किसी दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं। और अगर हमें यह एहसास हो जाए कि यहाँ पकड़ने लायक, यहाँ पर ग्रहण करने लायक कुछ भी नहीं है, एक और छोटा सा एहसास आपके भीतर हो, ग्रहण की हुई चीजों के बाबत एक एहसास होना चाहिए। एक तो ग्रहण ही ना हो, अब जब ग्रहण कर लिया है तो क्या करें फिर? तब फिर उनके संबंधों को हम पहचान लें जिन चीजों से हमने अपने को जोड़ लिया है। एक्चुअली चीजें हमसे कभी नहीं जुड़ती, कभी किसी एक के नोट ने आकर के ये नहीं कहा कि देखो हमें तो डरी तुम समारे नहीं रहे हमें, हम तुम आए आए, ऐसा कहा किसी एक रुपया ने, 100 रुपया के नोट ने शायद कही हो, बड़ा नोट है वो 100 रुपये का, समझदार हो शायद चूड़ा बहुत नहीं, फिर को नहीं है वो, चाहे 1000 वाला भी हो कभी वो आके नहीं कहता कि हम गिर गए हैं और तुम हम तुम आए आए जेब में फिर से धर लू, नहीं कहता वो, कभी हमसे संबंध नहीं जोड़ता है। लेकिन हम ही जो है उससे संबंध जोड़ते फिरते, चीजों से हम संबंध जोड़ते फिरते हैं। काश हमें यह एहसास हो जाए कि चीजों का संबंध है कैसा, क्षण भर के बाद टूट जाने वाला और क्षण भर के बाद बदल जाने वाला, बदले बिना रहेगा नहीं, टूटे बिना रहेगा। एक व्यक्ति चला जाता था, मैंने शायद आपको पहले भी ये घटना सुनाई होगी, फिर से सुनाता हूँ, जरूरी है। जिंदगी में सैकड़ों चीजें रिवाइज करते हैं, अच्छी चीज रिवाइज करना तो अच्छी ही बात है। एक व्यक्ति बाजार गया, घर से तय करके निकला कि ढेर सारा कांच का सामान खरीद के लाना है उसका, कांच का सामान खरीद के ला रहा था, रास्ते में कांच का सामान लाते लाते अचानक जरा धक्का लगा, नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो टूट गया, टूट गया तो वो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है कांच का सामान नीचे गिर गया टूट गया, सैकड़ों लोग आकर के खड़े हो गए। तो जब लोग आकर के उसे खड़े हो गए देखने लगे तो उसने मालूम लोगों से कहा, क्या कहा, यू कैन नॉट सी एनी फूल बिफोर मी, मेरे पहले आपने कोई मूर्ख नहीं देखा जो आप मुझे देखने खड़े हैं। बड़ा आश्चर्यजनक जवाब उसने दिया कि मैं पहला मूर्ख नहीं हूं जो अपने हाथ से अपना कांच का सामान तोड़ करके हक्का बड़ा खड़ा हूं, हम सब यहां पर कांच का सामान लेकर के चलते हैं, थोड़ी दूर जब जाकर के वो टूट जाता है तो खड़े रह जाते हैं, ऐसे बुद्धू की तरह खड़े रह जाते हैं। और जब वो घर पहुंचा तो घर के लोगों ने जब टूटा फूटा सामान देखा तो कहा कि क्यों सब टूट गया, यहां तक नहीं आ पाया। उसने कहा ये मत पूछो, ये कहो कि कितनी दूर तक आ पाया, यहां तक नहीं आ पाया ये मत पूछो, ये पूछो कि कहां तक आ पाया, कांच का सामान था ये कहो कि आधी दूर तक आ गया, वरना कोई कोई उसकी तय नहीं था कि वो कितनी दूर तक जाएगा। ऐसे अगर चीजों के बारे में हमें ये तय हो जाए, हमारे भीतर ये तय हो जाए कि कितनी देर चलेंगे, कुछ देर जब तक उपयोग में है तब तक ये चलेंगे, फिर उसके बाद जब ये अपने आप हमसे छूट जाती हैं तो क्यों ना इससे पहले हम इनसे अपनी आसक्ति को छुड़ा लें। छोड़ने का नाम त्याग नहीं है भैया, छूट जाने का नाम त्याग, अपने को छुड़ा लेने का नाम त्याग है। कि अभी तक हम इन सबको अपना मानते थे, जी हमारी चीजें कभी नहीं हो पाई इसलिए अब हम उसमें से अपनी आसक्ति को हटा लेते हैं, चीजों में से अपनी आसक्ति को हटा लेना। और जैसे ही चीजों में से आसक्ति हट जाती है, चीजें तो हटने में देर नहीं लगती, वरना बिना आसक्ति की चीजें हटाओ तो चीजें भले ही दूर हो जाएं, आपको आंचल में लेकर के दौड़ने वाला कितने दिन तक जलने से बचेगा, यही हम करते हैं। आसक्ति हमारे अंदर रह जाती है, चीजों से हम दूर भागते चले जाते हैं, लेकिन वो आसक्ति निरंतर हमारे
को जलाती चली जाती है। आज आशक्ति को छोड़ने का दिन है, चीज़ों को छोड़ने का तो है ही, उनसे अपनी आशक्ति कम करने का। और आशक्ति कम करने का बड़ा अच्छा उपाय दिया हुआ है। साधु पुरुष आशक्ति का त्याग अनायास कर देते हैं, लेकिन जो संसार में अभी हैं उनको आशक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तब उनके लिए उपाय बता दिया कि जिसको ज़रूरत हो उसे दे देना, अगर तुम आशक्ति नहीं छोड़ पाते हो तो ऐसे करना, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे सहर्ष वो चीज़ उसके उपकार के लिए दे देना। इसी का नाम तो हमने दान रखा है। श्रावक भी दान देता है, ऐसा नहीं सोचना कि साधु त्याग करता है और श्रावक दान देता है, नहीं, श्रावक भी दान देता है, साधु भी दान देता है। श्रावक चार प्रकार का दान देता है, साधु रत्नत्रय का दान देता है, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र, इन तीनों चीज़ों का दान देने वाला साधु है। और उसने सबसे पहले आशक्ति को चूंकि हटा दिया है, इसलिए वो इन तीन चीज़ों का दान दे पाता है। तब जिसकी अभी आशक्ति कम नहीं हुई, वो चीज़ों से आशक्ति कम करने के लिए अपनी चीज़ों को दूसरे के उपकार के लिए अगर देना शुरू करता है। अगर एक व्यक्ति आज 5 अनुव्रत में से एक आखिरी अनुव्रत अगर ग्रहण कर ले, परिग्रह का परिमाण कर ले, आपको कभी शायद परिग्रह के परिमाण के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि कितना लाभदायक हो सकता है। कठिन तो हर चीज़ लगती है, लेकिन उसे सहज बनाया जा सकता, उसे सरल बनाया जा सकता। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँ। आनंद श्रेष्ठी के बारे में आता है कि आनंद श्रेष्ठी ने, ये बाद में बौद्ध हो गए थे, पहले भगवान महावीर स्वामी के शमो शरण में गए थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, अपन को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर कोई थे आनंद श्रेष्ठी भगवान महावीर के समय में, ये मान लीजिएगा। और भगवान महावीर का जब दिव्य देशना चलती थी उस समय वो वहीं बैठे थे, और भगवान के समो शरण में श्रावक के व्रतों के अंतर्गत जब परिग्रह का परिमाण करने की बात आई, उसका जब देशना में उपदेश हो रहा था, तब उनके मन में आया कि मैं भी कर सकता हूँ। तो खड़े हो गए और वहीं पर कहा कि भगवान, मेरे पास हजारों की तादाद में जो लोडेड जहाज आ रहे हैं हीरे जवाहरात से, उन सबको रखता हूँ, बाकी सबका त्याग करता हूँ। कितनी सारी चीजें थीं, जितनी मेरे पास चीजें हैं उन सबको रखता हूँ, बाकी सबका त्याग करता हूँ। कहते हैं भगवान कुछ नहीं बोले, सोचा कि शायद ये त्याग ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दूसरी बार दूसरे दिन फिर सोच समझ के बोले कि जितना है उसमें से आधा छोड़ता हूँ, वो जो हजार जहाज़ लोडेड चली आ रहे हैं हीरे जवाहरात से, 500 छोड़ता हूँ, 500 रखता हूँ। अभी भी भगवान कुछ नहीं बोले। तीसरा दिन हो गया और थोड़ा कम करके कहा कि इतना रखता हूँ, फिर भी नहीं बोले। तो हार करके आनंद श्रेष्ठी जैसे ही बैठने लगे तो कहते हैं कि भगवान की देश नखरी, और उन्होंने कहा कि आनंद, जिसे तुम ग्रहण ही नहीं कर सके, जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, उसे छोड़ने का अहंकार कैसा। पहले इस अहंकार को छोड़ो कि मैं छोड़ता हूँ। तब आनंद की आँख खुली और सही स्वरूप उनको समझ में आया कि वास्तव में जो मेरा नहीं है, मैं उसे पहले अपना मान रहा हूँ, एक गलती ये कर रहा हूँ, फिर उसे मैं छोड़ता हूँ, इस बात का अहंकार करने की दूसरी गलती कर रहा हूँ। एक तो जो चीजें हमारे नहीं हो सकती उनको हमने अपना बनाने की चेष्टा करके एक गलती करी, और फिर जो चीजें हमारी नहीं है उनको छोड़ने का अहंकार कर किया मैंने, दो गलतियां। नहीं भगवान, जो जितना मेरे पास है आज की तारीख में उतना ही रखूंगा। तथास्तु, भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं कहानी से अपने को कोई मतलब नहीं, उसके ड्रॉबैक में अपन को क्या लेना है, उपदेश ही ले लीजिएगा, हुआ था कि नहीं हुआ था। मजा देखिएगा कि आनंद श्रेष्ठी ने घर पहुंच के कहा कि जो बगीचे में हजारों पेड़ लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के फल फूलों के, सबके पेड़ों के फल गिन लिए जाएं, कल की तारीख में जो नए फल लगेंगे वो सब त्याग देना पड़ेंगे। कहते हैं कि आनंद श्रेष्ठी की हजारों गायें थीं, और 2-4 दिन के अंदर जब वो जन्मी, 1000 गायें थीं और वो जन्म गईं, तो 2000 हो गईं, 500 गाय और बछड़े सारे शहर में भेज दिए गए कि जिसे लेना हो वो ले ले। इतना अधिक डोनेशन होने लगा रोज, क्योंकि जो आज की तारीख में मेरे पास है उसके अलावा कुछ भी नहीं रखूंगा, तो रोज बढ़ता था, दुगना होता था, और आनंद दोनों हाथ से देते चले जाते थे। लिया था त्याग का व्रत और हो गया दान शुरू। ऐसा इतना आसान सा तरीका है, अपने लिए किया था त्याग
और दूसरे के लिए हो गया वो उपकार, दूसरे के लिए देना शुरू कर दिया ध्यान। आप आसानी से कर सकते हैं। 50 साड़ियां घर में रख रखी हैं, 51 भी तब खरीदेंगे जब एक उसमें से अलग करेंगे, अन्यथा 51 में नंबर की नहीं खरीदेंगे। चलिएगा, आप 51 भी एक साल में जरूर खरीदे बिना नहीं रहेंगे, लेकिन फिर आपको एक निकालना भी पड़ेगा। मेरे पास आज की तारीख में 1,00,000 रुपया है, कल अगर 1,10,000 होंगे तो मुझे उन 10,000 से कोई मतलब नहीं, मेरे तो 1,00,000 पर्याप्त है, मैं 10,000 का त्याग करता हूं। लेकिन ये आसक्ति, ये पहले ही छोड़ना पड़ेगी। बहुत आसान सा है, जितना हम इस व्रत को ग्रहण करेंगे, जितना हम अपने जीवन में त्याग करेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। पर ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। दूसरे के उपकार के लिए जब हम कुछ देते हैं तो मानिएगा दूसरे का उपकार तो होता ही है, हमारी आसक्ति कम होती है। ये क्या कमती उपकार है अपने ऊपर? अपने ऊपर ये बड़े से बड़ा उपकार है। लेशा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं। डिक्लेयर किया है डॉक्टर्स ने, मैंने आपसे शायद पिछले दिनों भी कहा था कि जो व्यक्ति जितना दे पाता है, जो व्यक्ति जितने की देने की भावना बनाता है, वो व्यक्ति उतना ही स्वस्थ और प्रसन्न रहता, उसे कभी हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये डिक्लेयर है डॉक्टर का कहना। देने की भावना होनी चाहिए, दिया या नहीं दिया ये बहुत सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन देने का मन है, किसे क्या दे दूँ, मेरे पास क्या है ऐसा जो कि मैं दे दूँ, सबके काम आ जाए वो चीज़। नहीं होते हुए भी ऐसा मन बनाया जाता, लेकिन अभी तो उल्टा मन होता है कि क्या है जो दूसरे से छू लूँ, मेरे पास क्या कम है जो कि मेरे पास हो जाता। इतना सा फ़र्क, जरा सा फ़र्क करना है कि मेरे पास कुछ भी तो नहीं है ऐसा जो दूसरे के लिए दे सकूँ। आप थोड़ा सा परिवर्तन लाएं तो बहुत आसानी होगी। रहीम खान खाना थे, बड़े अकबर के अच्छे माने हुए रत्नों में से थे, शायद आपने पहले इस चीज़ को सुना हो। और गंग कवि भी थे, गंग कवि कविताएं करते थे, और रहीम खान खाना उनसे बहुत खुश हुए तो रातों रात गाड़ियां भरवा करके और उनके घर असरफियां भेज दी। गंग कवि बड़े आश्चर्य में पड़े कि भाई रात में तो लोग चुराने आते हैं, देने कोई आए रात में, ऐसा तो बहुत कम होता है। लूटने आते हैं रात में कोई, देने और गाड़ी पे गाड़ी चली आ रही है, देने चला आ रहा है, बड़ा आश्चर्य है। और ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, कहता है कि मैं कहां दे सकता हूं, सिर झुकाता है देते समय, शर्मिंदगी महसूस करता है देते समय। देते समय तो मैंने लोगों को अकड़ते हुए देखा है। तो दो लाइनें लिख करके भेजी रहीम खान खाना को, कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ये कहां से सीखा? कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम खान खाना भी कम नहीं थे, उन्होंने गंग कवि को दो लाइनें जवाब में लिख करके भेजी कि देन हार को वोर है, हैं देन हार को वोर है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करत ताते नीचे ने। लोग सोचते कि मैं देने वाला इसलिए मैं शर्मिंदा होता। ऐसे दिया जाता है दान। तीन प्रकार के दान में से अभी तक हमने राजसिक और तामसिक दान तो दिया है। गीता में तीन दानों की बड़ी चर्चा की है, तीन ध्यान की चर्चा की है, तीन तप की कल्पना ने चर्चा करी थी। तीन दान में एक राजसिक दान है जो क्लेश पूर्वक दिया जाता है। क्लेश किस बात का? इस बात का क्लेश के पता नहीं कोई बाद में नाम लेवा रहे है कि नहीं रहे है, दे तो रहे। इस बात का क्लेश, ऐसा क्लेश पहले मन में आ जाता है कि मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। इस संक्लेश के साथ दिया जाता है कि मुझे कुछ उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो तामसिक दान है वो तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, कि अहंकार पूर्वक और तिरस्कार पूर्वक, बहुत दंभ के साथ कि देखा मैं भी कोई देने वाला हूं, जरा लिख लेना मेरा नाम देने वालों में। और बहुत तिरस्कार, श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया जाता। सात्विक दान श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी भावी आकांक्षा पूर्वक दिया जाता है वो सात्विक दान, वो त्याग, सच्चा त्याग, जो सांप की कैसुली की तरह
छोड़ दिया जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता सांप, क्योंकि उसे नया जीवन मिल गया है जो उसने पुरानी कैंचली छोड़ दी है। इसी तरह जब हम अपने लिए जो अनावश्यक है, जो हमने ग्रहण करने का भ्रम किया था, उसको जब हम छोड़ देते हैं, तब उससे मुक्त होने का एक आनंद जो मिलता है, वो तो आनंद दान का प्रत्युपकार है। इससे अधिक और किस चीज़ की आकांक्षा, कोई धन्यवाद देगा या नहीं देगा इसकी क्या चिंता है, कोई ये कहेगा कि दानी है या नहीं है। तिरस्कार पूर्वक भी दान दिया जाता, अहंकार पूर्वक भी। एक पंडित जी कथा बाँचने गए थे एक सेठ जी के यहाँ पर, तो उन सेठ जी ने देना था, तो अचानक उनको ये मालूम था कि यहाँ थोड़ा सा गड़ा हुआ है, धन गाड़ के रखते थे वो, अब नहीं, अब लोग गाड़ के नहीं रखते, अब लॉकर में रखते हैं, बात एक ही है, पुराने लोग दूसरे ढंग से, अब दूसरे ढंग से रखते हैं, वो दबा के रखते थे। तो उनने निकाला तो वो ज़्यादा निकालाया, ज़्यादा निकालाया तो अब उनका ये भी था, अहंकार रहता व्यक्ति का, चलो अब जब इतना निकला ही आया है तो इतना पूरा देते हैं। ऐसे सिर्फ पंडित जी को बोल दिया कि पंडित जी आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं देने वाला, अब चूंकि इतना तो वैसे आपका नहीं बनता है, लेकिन अब निकल आया तो हम ऐसे दानी हैं कि निकल आता तो वापस नहीं रखते, अब फिर पूरा ही ले लो, आप भी क्या कहोगे। और ऐसा ऐसा पंडित जी को कह दिया। पंडित जी भी ऐसे नहीं थे कि भिक्षा और दुत्कार के और तिरस्कार पूर्वक दी जाए। पंडित जी को दक्षिणा में 1 रुपया कहीं से मिला था, पंडित जी ने वो निकाला और सहज भाव से उसमें 1 रुपया डाला। और पापा जी, सेठ जी, आपने भी मेरे जैसे दानी नहीं देखे होंगे, 1 ही रुपया मेरे पास था, ये सब और ये मेरा 1 रुपया रख लो आप और चले गए। तिरस्कार पूर्वक दान दिया जाएगा तो न दूसरे का कल्याण करेगा और न स्वयं का भी कल्याण होगा, इसलिए श्रद्धापूर्वक बिना किसी आकांक्षा के। और बड़े से बड़ा दान तो ये है कि अपने को बिना बचाए दे देना। अभी तो हम अपने को बचा करके देते हैं कि जिसमें हम बच जाएं, हमारी परंपरा बच जाए, हमारे आगे आने वाले लोग नाम लेवा बच जाए। दान देते तो काय के लिए देते, अपने को बचा के देते कि नाम पति अपने खो रहे, हम बच गए, मेरे जो कछु देने हो तो ले लो आप, सब ले लो हमें बचा करके। लेकिन दान वास्तविक है कि जहां हम अपने को दे देते, अपने को दे दिया, मैं दे दिया तो मेरा सब देने के योग्य ही हो गया। ऐसी भावना के साथ में अगर आप दान दें दूसरे के कल्याण के लिए तो शायद वो सच्चा त्याग होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने भी सुनते रहिएगा, लेकिन थोड़ी सी मूर्छा जो है वो तोड़ना पड़ेगी। इस बात का एहसास तो भीतर होना चाहिए कि हमने जो जो चीज़ें जोड़ के रखी, जिन जिनको अपना माना, उनसे हमने कुछ पाया या कि नहीं पाया, इतना जरूर। हमारे ऊपर उनसे कोई उपकार हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो दूसरे का उपकार होता हो तो उसे दे दीजिए। एक और बहुत छोटी सी घटना आपको याद आ गई, बड़ा अच्छा लगता है जब ये कहानियां पढ़ता हूँ। जीवन में शिक्षा रहनी चाहिए। एक फकीर था, वो राजा के यहाँ रोज आता था और राजा को एक जंगली फल देके जाता था। राजा ने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि राजा को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देने आते हैं, और एक फकीर वो भी भिखारी जैसा, और एक छोटा सा फल देके जाता था। राजा ने ज्यादा गौर नहीं किया उसमें, लेकिन मंत्री होशियार था, मंत्री वो फल रख लेता था, फेंकता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही फकीर आया, रोज का क्रम था फकीर के आने का, तो फकीर ने जैसे ही उस भिखारी जैसे उसने जैसे ही फल दिया, तो राजा ने जो पास में एक बंदर बैठा हुआ था उसको फेंक करके उस दिन फल दे दिया। अचानक उस बंदर ने वहीं पर उस फल को तोड़ करके खाना शुरू किया, तो एक हीरा उस फल में से निकल करके नीचे गया। आश्चर्य बढ़ गया राजा कि अरे, और जो फल दिए थे अभी तक उनका क्या हुआ। मंत्री ने कहा घबराओ मत, रखी मैं सब जाकर के देखा, उन सब फलों के भीतर एक हीरा था। राजा आश्चर्य पड़ा, उसने फकीर को बुलाया, क्या कहना चाहते हो, आखिर तुम ऐसा रोज मुझे देते हो। बोले कुछ नहीं राजन, फल के भीतर भी कोई हीरा हो सकता है, मैं आपको इस बात का एहसास करवाना चाहता था, कि ये फल जो मनुष्य भाव की तरह हमें मिला है, इसके भीतर भी कोई हीरा हो सकता है, कभी उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। एक फल का दान भी दूसरे के उपकार के लिए, और ऐसे उपकार के लिए कि पूरा जीवन भर जिसका सार्थक हो जाए, कारण बन सकता है। कहते हैं कहानी में तो ऐसा लिखा है कि राजा उसी दिन से राज दरबार से उठ करके फकीर हो गया था। एक जरा सा संदेश हमारे जीवन को बदल सकता है, किसी का दिया हुआ
एक छोटा सा दान भी हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, ऐसा विचार करके। और अपनापन तो कम से कम दिया जा सकता है, सबको दिया जा सकता है, आत्मीयता सबको दी जा सकती है, इसमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति एक अच्छा गुड दशा जिसको बोलते सद्भावना, वो दी जा सकती है। इतना भी आप करें तो भी आपका मन पवित्र होगा और वो भी एक तरह का त्याग ही कहलाएगा, क्योंकि अहंकार को छोड़ना ये भी एक त्याग है और मेरेपन को छोड़ना ये भी त्याग है। कोशिश करिएगा कि ऐसा त्याग ऐसा दान हम सबके जीवन में उसी भावना के साथ में बोले। आचार्य गुरुर विद्या सागर में प्रकाश देखो पर भाष देखो मानुषी रखानी है।